पिहोवा बस स्टैंड पर किसान यूनियन के सभी जिम्मेदारों ने मिलकर जाम लगाया और चारों तरफ का ट्रैफिक रोक दिया, जिससे बसों के अंदर, स्कूल बसों के अंदर बच्चे पानी के बिना काफी परेशान थे, पर बुजुर्ग महिलाएं भी बहुत परेशान थी। लेकिन किसानों का कहना है कि हम जाएं तो कहां जाएं, हमारा अनाज आज मंडियों में रुल रहा है, हम अपने 6 महीने की कमाई को कैसे खत्म कर दें, किसको दें, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, और अगर कोई लेता है तो अनाज की पूरी कीमत हमें नहीं मिलती, इसी कारण हमने मजबूर होकर यह जाम लगाया है। हमें इस चीज का दुख है कि बच्चे, बुजुर्ग, माताएं सब परेशान हैं, लेकिन हम क्या करें। मौके पर पहुंचे पिहोवा HHO पिहोवा DSP साहब, उन्होंने ट्रैफिक को इधर से उधर बाईपास कर दिया और अपनी सूझबूझ का परिचय दिया, लेकिन तब तक भी जिम्मेदार जाम पर बैठे रहे। SHO साहब ने कहा, अगर किसी बच्चे को कुछ भी हुआ तो देख लेना फिर क्या होता है। रोडवेज की खाली बसें वापस जाते हुए बस स्टैंड के अंदर कोई एंट्री नहीं। जब हमारे हरियाणा ब्यूरो हरकेश राणा ने स्कूल के बच्चों से पूछा कि बच्चों आपको प्यास लगी है, तो बच्चों का इशारा था नहीं। मैं आपको बुलवा देता हूँ, हम आ गए, आपकी बात होगी, मैं तो बोला ही नहीं कुछ उसमें। चलो उन्होंने बोला था कि 2 बजे मेरी रसम रहेगी, आपको 2 बजे 3 बजे की बात करें और उसके बाद 3 बजे के बाद सरकारी बोली चल रही है। फोन पर बात कर लो एक बार।